नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विक्रम शर्मा, कंसल्टेंट आर्थ्रोस्कोपिक सर्जन एंड स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट, और आप सभी का स्वागत है इस वीडियो सीरीज में जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं प्राइमरी केयर आफ्टर स्पोर्ट्स इंजरीज। तो पहले के वीडियो में हम लोगों ने समझा राइस प्रोटोकॉल के बारे में। राइस प्रोटोकॉल मतलब चोट लगने के इमीडिएटली बाद किस किस्म का प्राइमरी केयर फर्स्ट एड खिलाड़ी को या इंजर्ड व्यक्ति को दिया जाना चाहिए। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्पेसिफिकली कोल्ड कंप्रेशन के बारे में, मतलब कोल्ड कंप्रेशन करने के क्या क्या तरीके होते हैं, किस सही तकनीक से उसे किया जाना चाहिए। तो जैसा कि नाम से ही आप समझ सकते हैं कि इसमें एक कोल्ड मतलब किसी भी ठंडी चीज़ को आपको इंजर्ड एरिया में लगाना चाहिए। कोल्ड कंप्रेशन हमेशा इंजरी के एक्यूट स्टेज में प्रभावी होता है, जबकि आपको दर्द से सूजन से इसमें आराम देना होता है। तो जो सबसे पहला तरीका होता है और सबसे आसान तरीका होता है वो होता है सिंपल कोल्ड बैग एप्लीकेशन। मतलब आप अपने घर में किसी मजबूत पॉलीथिन में आइस क्यूब्स डाल सकते हैं, वो डालने के बाद में आप इसमें थोड़ा सा पानी भर सकते हैं और जो एयर है उसको सारे से निकाल सकते हैं और इसे जमा सकते हैं, क्योंकि ये एक थोड़ा सा शेप ले लेता है और उसके बाद आप इस आइस बैग को इंजर्ड एरिया में लगा सकते हैं। दूसरे किस्म का जो आइस एप्लीकेशन होता है वो जेल बेस्ड आइस पैक्स आते हैं, मतलब ऐसे पैक्स आते हैं जिनमें जेल भरा हुआ होता है और आप इसे फ्रीज़र में जमा सकते हैं। जब इसे फ्रीज़र से निकालेंगे तो कुछ समय तक ये अपना जो फ्रोज़न कंडीशन होता है वो मेंटेन करता है, तो ये एक दूसरा तरीका होता है। तीसरे किस्म के जो कोल्ड पैक्स होते हैं वो केमिकल बेस्ड होते हैं, सामान्यतः हिंदुस्तान में वो उपयोग में नहीं लिए जाते हैं क्योंकि थोड़े से कॉस्टली भी होते हैं। पर ये केमिकल बेस्ड पैक्स ऐसे होते हैं कि इसमें कुछ डिफरेंट केमिकल्स होते हैं और उनके बीच में एक बैरियर होता है, जब इस बैरियर को तोड़ा जाता है तो ये केमिकल मिक्स हो जाते हैं और उसके बाद में ये एक फ्रोज़न अवस्था में, ये एक ठंडी अवस्था में चले जाते हैं। तो तीसरे किस्म का जो हम लोगों ने कोल्ड पैक का बात किया वो होते हैं केमिकल बेस्ड कोल्ड पैक्स। चौथा एक और तरीका होता है, वो भी एक कन्वेंशनल मेथड होता है जिन्हें बोला जाता है कोल्ड रैप्स, जिसे भी कुछ लोग घर में बना सकते हैं। उसमें हालांकि ये दिस इज़ मोर ऑफ ए लिटरेचर वैल्यू, मैंने इस तरह के तकनीक का उपयोग कुछ बहुत ज़्यादा देखा नहीं है, परंतु फिर भी आपकी सामान्य जानकारी के लिए मैं इसे इस वीडियो में ऐड कर रहा हूँ। रैप मतलब एक कपड़े का एक इस किस्म का कोई पाउच बनाया जा सकता है और उसमें कुछ वेजिटेबल्स लाइक कॉर्न भर सकते हैं, कुछ उसमें पीनट्स भर सकते हैं और उसे आप जब फ्रीज़ करेंगे अपने फ्रीज़र में डालेंगे तो ये जो अंदर की चीज़ें हैं वो पूरी तरह से जम जाती हैं क्योंकि उनमें भी कुछ नमी का मात्रा होता है। और इस तरह के कोल्ड रैप्स को भी आप एज अ कोल्ड कंप्रेशन काम में ले सकते हैं। इसके अलावा एक और तरीका होता है जिसे वेट टॉवल या फ्रोजन टॉवल से भी आप ये कर सकते हैं। तो हालांकि ये भी एक बहुत कॉमन तरीका नहीं है, पर जानकारी के लिए मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। जैसे कि आपने टॉवल लिया, आपने उसे स्क्वीज़ किया, सिर्फ थोड़ा सा ही पानी उसके अंदर छोड़ा और आप इस टॉवल को फ्रीज़ कर सकते हैं, इसे जमा सकते हैं किसी पॉलीथिन के बैग में रखने के बाद में, और इस फ्रोजन टॉवल को जिसके के अंदर थोड़ा सा आपको काफ़ी ठंडक मिलेगी, इसको आप अपने इंजर्ड एरिया के चारों तरफ लपेट सकते हैं। पर ध्यान रहे, इससे आपको बहुत ज़्यादा कंप्रेशन नहीं करना है, सिर्फ उसे हल्के रूप में लपेटना है। तो ये कुछ डिफरेंट तरीके थे कोल्ड पैक कोल्ड कंप्रेशन करने के जो कि मैंने आप लोगों को बताए। पहला पॉलीथिन में आइस क्यूब्स डाल के, दूसरा जेल पैक्स के द्वारा, केमिकल जो कोल्ड पैक्स आते हैं उनके द्वारा, रैप्स के द्वारा जिसमें आप फ्रोज़न वेजिटेबल्स डाल सकते हैं, या फिर किसी टॉवल को आप फ्रोज़न करके भी अपने एरिया को ठंडक दे सकते हैं। तो ये जो तरीके अब तक मैंने आप लोगों को बताए ये सभी घरेलू किस्म के तरीके थे जिनसे कि आप अपने इंजर्ड एरिया पे कोल्ड कंप्रेशन कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम लोग आगे बात करते हैं कि ये कोल्ड पैक लगाने का सही तरीका क्या होता है। बहुत ध्यान से सुनिए क्योंकि ये आप लोगों के लिए जानना अत्यधिक आवश्यक है और अधिकतर लोग इसमें काफ़ी गलतियां करते हैं। तो पहली बात कि जो कोल्ड पैक आप लोगों को लगाना है वो स्किन पे आप डायरेक्ट ना लगाएं, हमेशा किसी प्रोटेक्टिव कवर में ही रख के उसे लगाएं। तो जैसे कि आपने पॉलीथिन का कोल्ड पैक लिया है या जेल बेस्ड लिया है तो आप उसे किसी टॉवल में लपेटें और आप अपने उस इंजर्ड एरिया पर उसको लगा के रख सकते हैं।
क्योंकि इस कोल्ड पैक को आपको उस इंजर्ड एरिया पे कुछ समय के लिए छोड़ना है। और साथ ही ये ध्यान रहे कि वो इंजर्ड एरिया इंटैक्ट हो, ऐसा नहीं है कि वहाँ से कोई ब्लीडिंग हो रहा है और उस पर आप किसी भी किस्म का टॉवल लगा रहे हैं, तो इस चीज़ का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। ये एक क्लोज्ड किस्म की जो स्पोर्ट्स इंजरी हैं उनके लिए ये डेमोन्स्ट्रेशन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। तो आप जो कोल्ड पैक है उसको किसी प्रोटेक्टिव कवर के साथ में अपने इंजर्ड एरिया पे लगाएं। लगभग 20 मिनट के समय अंतराल तक आप इसको लगा के रख सकते हैं, 15 से 20 मिनट तक। सीवियर स्पोर्ट्स इंजरी के केस में इसको आप 3 से 4 घंटे में रिपीट कर सकते हैं। तो मैंने आप लोगों को बहुत बताया किसी प्रोटेक्शन के साथ में ही इसे लगाना है। लगभग 20 मिनट तक आप इसे लगा के रख सकते हैं और 3 से 4 घंटे बाद एक्यूट स्टेज की अवस्था में इसे आप रिपीट कर सकते हैं। बहुत ध्यान रहे आपको डायरेक्ट अपने स्किन पे बर्फ को नहीं लगाना है, नहीं तो आपको फ्रोस्ट बाइट मतलब बर्फ से होने वाले नुकसान भी इस एरिया के अंदर हो सकते हैं। बर्फ का जो या कोल्ड लगाने का इंजर्ड एरिया में जो एक कारण होता है वो ये होता है कि इससे एक तो सूजन कम होती है, वहाँ पे जो इन्फ्लामेशन हो रहा है वो कम होता है, वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन, क्योंकि इनिशियली हम लोगों को वहाँ पे ब्लीडिंग नहीं हो, वहाँ पे सूजन नहीं बढ़े, तो सर्कुलेशन थोड़ा सा कम करना होता है। तो ये सभी हमारे उद्देश्य हम कोल्ड कंप्रेशन से प्राप्त कर सकते हैं। कोल्ड पैक लगाने के बाद में आप इसे हल्के रूप में रैप भी कर सकते हैं, स्किन पे किसी छोटी सी हल्की सी पट्टी को लगा के उसको सिक्योर भी कर सकते हैं, परंतु ध्यान रहे कि कंप्रेशन किसी भी अवस्था में बहुत टाइट नहीं हो। यदि आपने किसी क्रेप बैंडेज से इस कोल्ड पैक को बहुत टाइटली अपने स्किन पे बांध दिया है तो वो आपके स्किन को, इंटरनल स्ट्रक्चर्स को थोड़ा सा डैमेज भी पहुंचा सकता है। मैंने जो आप लोगों को कुछ कन्वेंशनल मेथड्स बताए थे कोल्ड कंप्रेशन के, उसके अलावा कुछ प्रोफेशनली मेड भी कफ्स अवेलेबल होते हैं जिन्हें कि हम लोग क्रायो कफ बोलते हैं। तो क्रायो कफ आपके जॉइंट के हिसाब से डिजाइंड कुछ कफ्स होते हैं जिनको कि आप अपने जॉइंट के चारों तरफ लपेट सकते हैं। कुछ ऐसे कफ्स होते हैं जो कि प्रोफेशनल फिजियोथेरेपी सेटिंग में आपको मिलते हैं और वहाँ पे या तो उसमें से ठंडा बिल्कुल फ्रोजन पानी या किसी किस्म के केमिकल के द्वारा उस कफ को ठंडा किया जा सकता है। उस कफ को एक समुचित मात्रा में हम लोग उस कफ की मदद से आपके इंजर्ड एरिया को कंप्रेशन भी दे सकते हैं। परंतु यहाँ यह ध्यान रहे कि जो होम बेस्ड ऐसे क्रायो कफ होते हैं जो कि कुछ कंपनीज बनाती हैं, यदि आप अपने घर पे उनका उपयोग करते हैं तो विशेष रूप से ध्यान रहे आपको कि आपका जो वाटर का टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं हो और इसका जो प्रेशर है वो बिल्कुल कैलिब्रेटेड होना चाहिए, प्रेशर अत्यधिक नहीं हो। यदि प्रेशर आप लोगों ने काफ़ी अधिक लगा रखा है तो वो एरिया के अंदर सर्कुलेशन के कंप्रोमाइज होने के भी चांसेस होते हैं। तो दोस्तों इस तरह से इस वीडियो में हम लोगों ने बात किया कि कोल्ड कंप्रेशन उपयोगी होता है लोकल एरिया में सूजन कम करने के लिए, स्पोर्ट्स इंजरी के बारे में जो एक्यूट रिएक्शंस होती हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको कम करने के लिए। तरीकों के बारे में हमने बात किया जो घर में हम लोग एक पॉलीथिन के अंदर आइस क्यूब्स डाल के कर सकते हैं, जेल बेस्ड तरीकों से कर सकते हैं, केमिकल कोल्ड पैक्स आते हैं, कुछ फ्रोजन वेजिटेबल डाल के कर सकते हैं या फ्रोजन टॉवल की मदद से वो कर सकते हैं। साथ ही जो फिजियोथेरेपी के क्रायो कफ्स होते हैं या जो कुछ घरेलू किस्म के क्रायो कफ्स होते हैं जिसके के लिए बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े सेटअप की ज़रूरत नहीं होती, ये सभी चीज़ों का इस्तेमाल हम लोग कोल्ड कंप्रेशन के लिए उस स्पेसिफिक एरिया में कर सकते हैं। एक चीज़ और जो आप लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता है, ऐसे कोई भी व्यक्ति जिनको कि कोई वैसोस्पास्टिक डिजीज़ है मतलब उनके वेसल्स जो हैं वो सामान्य से ज़्यादा सिकुड़ी हुई रहती हैं, सर्कुलेशन किसी एरिया में कम है, तो वो अवस्था में आप लोगों को कोल्ड पैक करने से बचना चाहिए। यदि कोई स्किन की ऐसी कंडीशन है या न्यूरोलॉजिकल ऐसी कंडीशन है कि आप लोगों को ठंडे और गर्म का ठीक से पता नहीं चल पाता है, सेंसेशन की कमी है, तो वो अवस्था में भी कोल्ड पैक का इस्तेमाल बहुत ही सावधानी से आपको किया जाना चाहिए। और जैसा मैंने आप लोगों को पहले बताया कि यदि वेसल से संबंधित कोई डिजीज़ है तो वो अवस्था में कोल्ड पैक का इस्तेमाल ना करें तो बेहतर होगा। और हमेशा इन चीज़ों का इस्तेमाल आपके क्वालिफाइड डॉक्टर की सलाह के बाद में ही आप लोगों को किया जाना चाहिए।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए उपयोगी साबित होगा, और ध्यान रहे आप लोगों को कि इनिशियल 48 टू 72 आवर्स में आप लोगों को कोल्ड एप्लीकेशन ही स्पोर्ट्स इंजरी पे करना है, किसी किस्म का हॉट एप्लीकेशन, मसाज, ये सारी चीज़ें आप लोगों को इंजर्ड एरिया पे नहीं करना चाहिए। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग, साइनिंग आउट, थैंक यू।